अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। भारतीय मछली उद्योग संस्थान के अध्यक्ष श्री रोहुल प्रसाद ने यह ऐलान किया है कि गंगा किनारे जो भी लैंड खाली पड़े हुए हैं उसके लिए मछलींद्र समूह के लोग आवेदन कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति को 5 एकड़ जमीन आवंटित की जाएगी जिससे वो अपना मछली पालन का व्यापार कर सकें और साथ ही एक अच्छा जीवन गुजार सकें। अरे यार, ये तो मछलींद्र ग्रुप वालों की चांदी हो गई, इन्हें 5-5 एकड़ जमीन वो भी बिल्कुल मुफ्त मिल रही है। का हुआ लड्डू के भैया, किसका चांदी हो गया और किसको का मुफ्त में मिल रहा है? विभू, तुम्हारी मछलींद्र समूह के लोगों में कोई जान पहचान है क्या? ना। कोई रिश्तेदारी? ना। यार, बड़ी सिंपल सी बात है, हम मिश्राज हैं यार, और तुम बात कर रही हो मछलींद्र समाज की। नो, वी हैव नो कनेक्शन एट ऑल। अरे लेकिन हम मछलींद्र ग्रुप के आदमी काय नहीं है। वो हमसे काय पूछ रहे हैं, अम्मा जी को पूछे ना। अरे हम कह रहे हैं कि हमें ये जमीन काय नहीं मिल सकती, हमारा तिवारी होना का पाप है, हम कोई इंसान नहीं है, हमारा हल क्या जमीन नहीं जोत सकता? हाँ तो जब जोत सकता है आपका हल जमीन को, तो फिर लेकर ना लेते, खरीद लीजिए ना जमीन। हमको लगता है तुम गलत युग में पैदा हो गई। सच्ची? थैंकू। तो एक काम करो, तुम किसी भी जुगाड़ से मछलींद्र समाज के ग्रुप के मेंबर बन जाओ और इसी बहाने हमारे यहाँ भी 5-5 एकड़ जमीन लग जाएगी। Excuse me, आप मुझे देखकर ऐसे हंस क्यों रहे हैं? नहीं नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम मासूम हो, नाइव हो, ओवर स्मार्ट हो या चंटू हो, क्या हो, समझ नहीं आ रहा मुझे। नहीं, what do you mean? What do you mean? मतलब कहने का मतलब यह है कि जो तुम कह रहे हो ना वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओ भैया, हम भी यहाँ टाइम पास करने ना आए। तो मुझे बताएगा कि क्या जरूरी बात करनी है किसको? अगर ये लैंड हमारे हत्थे लग गई तो यार टीका हमारी ऐश हो जाएगी यार। तुम्हारी नहीं मेरे बेटे, हम सबकी ऐश हो जाएगी। हाँ वही। अगर ये 5-5 एकड़ लैंड हमारे हाथ लग गई, मतलब हमें मिल गई, तो सबके वारे न्यारे हो जाएंगे। देखिए भाइयों, अगर हम सब चाहते हैं कि हमें ये जमीन मिले, तो हमें भारतीय मछली संस्थान के अध्यक्ष रोहुल प्रसाद जी को आवेदन पत्र देना होगा, वो भी मछुआरा बनकर। चूज में भैया, ये सारा ड्रामा करने की क्या जरूरत है? हमारे कछु एजुकेटेड फ्रेंड है रहे जो नकली सर्टिफिकेट बनाकर देते हैं, काम है जाओगे। शट अप। तुम लोग हर चीज बेमानी के चश्मे से क्यों देखते हो यार? अरे ये सरकार का मामला है, सरकार का प्रोजेक्ट है, अगर सरकार को शक हो गया कि हमने कुछ फ्रॉडगिरी करी है ना, तो लैंड तो भूल जाना दोस्तों, जेल जाएंगे सबके सब। ओ मां साहब, ओ आप, ये डॉक्टर साहब, सब जेल जाएंगे। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? देखिए, हम भभूति जी की बात से बिल्कुल सहमत हैं। हम सब भी यही चाहते हैं कि ईमानदारी से हम न केवल मछुआरे दिखें बल्कि मछुआरे बने भी, और जो भी जरूरतमंद है जैसे कि हम। उन सबको भी जमीन मिले, नहीं तो कुछ गुंडे लोग आके उस जमीन पे कब्जा कर लेंगे और हमारे पांव के नीचे जमीन खिसक जाएगी। तिवारी जी, हम में एक कमजोर कड़ी है जिसको हम सब सक्सेना के नाम से जानते हैं। आई लाइक इट। आपका हाईलाइट गया घुइया के खेत में। हमारी प्लानिंग में भाजी मत मारिएगा प्लीज। देखिए भैया, अगर मुझे मेरी खुराक मिलती रहेगी तो मेरा मुंह बंद रहेगा। 4 शौक सुबह, 4 शौक दोपहर में और 4 शौक रात को। तिवारी जी, डू द ऑनर्स। एडवांस। ये तो तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, एकदम सुरमई मछली की तरह। लेकिन ये केकड़े जैसा मुंह काय बनाया हुआ है? आइडिया,
हमरा मुंह का केकड़े जैसा है। ई जो चेहरे पे ऐसे भाव आ रहा है ना, ऊ केकड़े के जैसे है। का हुआ हुआ का? ई सब हमको कछु अच्छा नहीं लग रहा। देखो पगली, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा झूठ बोलने से भला होता है ना, तो पुण्य के बराबर है। तो हम भी तो पुण्य का काम ही करने जा रहे हैं ना पगली। लेकिन फिर भी लड्डू के भैया, ये बात ना हमको मॉलेस्ट नहीं हो रहा है। कहीं डाइजेस्ट करना तो नहीं जा रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। अरे तुम निराश नहीं हो, हम तुम्हें मांसाहारी खाना खाने के लिए नहीं कह रहे हैं, बस इस झूठ में थोड़ा सा योगदान देने को कह रहे हैं। समझ रही हो ना? अब तनिक मुस्कुरा दो, मुस्कुरा मुस्कुरा। शाबाश। अभी इत्र लगा लो, इसे लगाने से मछुआरन की फील आएगी। क्या बात कर रहे हैं? लगाओ। क्या हुआ? अरे तो मच्छी का हमको फिर से नहाना पड़ेगा। अरे सुनो, अरे लो यार, गई भैंस पानी में। चलिए फोन लगाइए। किसको? चाची जी को, लंदन में। चाची? चाची चाची? अरे गवर्नमेंट ऑफिसर को फोन लगाने को बोल रहे हैं चाचा जी। अरे भूल गया बिल्कुल मैं। चल बाबू फोन नंबर लगाइए जरा। हेलो, आप कौन? श्रीमान हैंगा। अरे श्रीमान, आपने किसको फोन मिलाया है ये बताइए। हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अधिकारी प्रेम बल्लभ जी को फोन लगाया हैंगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।